रावल इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये एलजी का एसी चेक करेंगे। कस्टमर ने बताया कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है, लोड नहीं उठा रहा है एसी। तो ये इसका मॉडल नंबर है LSA5PW3A। ये डेटन का 3 स्टार एसी है। और तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका ये स्टेपलर लगा हुआ, हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये स्टेपलर कितनी वोल्टेज निकाल रहा है। तो हमने एसी को तो ऑन कर दिया है। ये 26 टेम्परेचर पे सेट है अभी। यहाँ पे 26 पे सेट किया है हमने। तो हम स्टेपलर की आउटपुट चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसकी दोनों वायर पे इसको वोल्टेज चेक करेंगे। हमने जो मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, एसी वोल्टेज पे सेट कर लिया हमने। तो अभी हम यहाँ पे दोनों प्रोब लगा के इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 235 वोल्टेज आ रहे हैं। इनके स्टेबलाइजर सही है, वोल्टेज सही निकाल रहा है। तो अभी इसका कंप्रेशर है एलजी का, तो हम इसका ये ऊपर वाला कवर खोल लेंगे। ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, और इसका हम साइड वाला कवर भी खोल लेंगे एक बार। और यहाँ पे हम इसमें मल्टीमीटर लगा के सेट कर देते हैं। एम्पीयर चेक करेंगे इसके, जब इसमें सप्लाई आएगी तो इसके एम्पीयर हम नोट करेंगे कितने एम्पीयर ये लेगा। वोल्टेज हमने चेक कर लिया इसकी, 235 इसकी वोल्टेज आ रही है इसको। तो अभी इसका फैन बंद है, अभी इसमें सप्लाई नहीं आई है। तो अभी ये ऑन होने वाला ही है, हमने दोबारा बंद करके दोबारा ऑन किया है। तो यहाँ पे इसको सप्लाई आ गई है, देखो ये 27 एम्पेयर ले रहा है ये। अभी ये कंप्रेसर ट्रिप हो गया, ये फैन चल पड़ा इसका, ठीक है, बट इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। ये हाई एम्पेयर लेके इसका ओवरलोड ट्रिप हो जा रहा है कंप्रेसर का। ये देखो ये 26 एम्पेयर ले रहा है, 26 एम्पेयर ले गए। ये 0.5 एम्पेयर फैन मोटर के हैं इसके, इसके फैन मोटर सही चल रही है बट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर चेक करने के लिए हम इसकी दोनों वायर को निकाल देंगे, यहाँ से इसकी सप्लाई बंद कर देंगे। या तो आप नीचे से एसी बंद कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसकी सप्लाई निकाल देंगे। सप्लाई निकालने के बाद हम ये ऊपर वाला कवर खोल के इसका कैपेसिटर चेक करेंगे। ये तो हमने इसका ऊपर वाला कवर उतार लिया है। यहाँ पे ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डुअल कैपेसिटर है ये। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर को बाहर ही निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के अब चेक करवाते हैं, इसमें लिखा हुआ है ये, बाहर निकाल के चेक करते हैं कैपेसिटर को। तो हमने इसका कैपेसिटर जो है बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 55+4 माइक्रोफैड लिखा हुआ है। ये 55 कंप्रेसर के लिए है और 4 माइक्रोफैड फैन मोटर के लिए है। तो ये डुअल कैपेसिटर हम इसको चेक करेंगे भी ये कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो हमारे पास ये मल्टीमीटर है मैक्सटेक का, तो हम इसकी मदद से चेक करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे कैपेसिटर रेंज पे, जहाँ पे हम कैपेसिटर चेक करते हैं।
तो हमने कैपेसिटर रेंज पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। कैपेसिटर रेंज पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे NF लिखा आ गया, तो हम इसकी दोनों प्रॉप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, ये चार पिने एक तरफ लगी हुई हैं, ये इसका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, वीडियो में शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। यहाँ पे एक बार आपको सेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, ये कॉमन है, और यहाँ पे इसके यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ये कंप्रेशर के लिए, ये कंप्रेशर के लिए कैपेसिटर, और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये फैन मोटर के लिए। यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड आने चाहिए और यहाँ पे 55 माइक्रोफैरड आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, हम एक प्रोब को इसमें लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंप्रेसर वाला कैपेसिटर वो चेक करेंगे। हमने एक प्रोब को कॉमन पे लगा दिया, दूसरी प्रोब को कंप्रेसर वाली उस पे लगा दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 15.6 माइक्रोफेरड शो कर रहा है, बट जबकि ये 55 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, ये ख़राब हो गया, ये वीक, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया कैपेसिटर, 15 माइक्रोफेरड का रह गया, इसलिए कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी हम ये फ़ैन मोटर वाला चेक करेंगे। अभी हमने फ़ैन मोटर पे प्रॉब रख दी है, तो अभी ये फ़ैन मोटर कैपेसिटर है, ये 3.9 माइक्रोफेरड दिखा रहा है, बट ये सही है, 3.9 ये सही दिखा रहा है, 4 माइक्रोफेरड दिखा रहा है, बट ये जो कंप्रेसर वाला है यहाँ, ये 15.6 माइक्रोफेरड दिखा रहा है, यानी कि 15 माइक्रोफेरड दिखा रहा है, ये ख़राब हो गया कैपेसिटर। तो अभी हम, ये डुअल कैपेसिटर है, तो हम दोनों का कैपेसिटर चेंज करेंगे। हम जो 4 माइक्रोफेरड वाला, उसको भी नया ही डालेंगे, पुराने वाला नहीं डालेंगे हम। तो इसकी जो हम नया कैपेसिटर लगा के इसको चेक करते हैं चला के एसी को, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने ये नया वाला कैपेसिटर हम ले आए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 55+4 माइक्रोफेरड, 55 कंप्रेसर का और 4 फैन मोटर का है, तो इसके भी 3 पॉइंट होते हैं डबल डुअल कैपेसिटर के। यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, ये कॉमन होता है, और यहाँ पे ये फैन लिखा हुआ है नीचे, ये फैन कैपेसिटर के लिए होता है, और यहाँ पे हर्म लिखा होता है एच, ये कंप्रेसर के लिए होता है। तो अभी हम आपको एक बार चेक भी करवाते हैं, ये कैसे इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम। एक को हम कॉमन पे रख देंगे, दूसरी को कंप्रेशर वाले पे रख देंगे, 55 वाले पे, और चेक करेंगे। यहाँ पे ये 54.8 माइक्रोफेरड दिखा रहा है, ये तो कंप्रेशर का हो गया, और हम फैन मोटर का चेक करेंगे। एक कॉमन पे रख देनी है और एक फैन वाले पे, तो यहाँ पे